चलवा जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में आपने बड़ी पहल की है, हर एमएलए एमपी से आप बात सुनते हैं समझते हैं और उसके बाद एक्शन लेने, आज आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने आपको सुना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और इस लॉकडाउन को कैसे खोलें, क्या हम सिचुएशन क्रिएट करें जिससे राजस्थान पटरी पर आ सके। और आपकी बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी, आपने जो अपनी बात में कही कि हमें सिर्फ केंद्र के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने पांवों पर खड़े होना है और ये बात पूरे राजस्थान के लिए लागू होती है, हर आदमी के लिए लागू होती है। और अभी जो आपने बोला उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अच्छा इंसान बनेंगे तो भगवान पक्का मिलेगा। हमें हमारा मन बड़ा करना पड़ेगा। कोरोना जैसे संकट के समय भी इस वक्त लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, आप बार बार ये कह रहे हैं, और इस वक्त ये लड़ाई धर्म और जाति के बीच में भी नहीं है। इसके बावजूद कई बार हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसका नीचे तक हमें कई बार ऐसा लगता है फायदा हो रहा है, लेकिन लोग उसका इतनी बुराई करते हैं, उसका इतना गलत असर जाता है कि आज भी लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। और राजनीति नहीं होने का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने आपकी तारीफ की। इससे नीचे तक एक संदेश जाना चाहिए कि जब काम अच्छा होता है तो खुद प्रधानमंत्री भी आगे बढ़कर बोलते हैं और आप भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं। तो ये संदेश हमारे राजस्थान के लिए तो बड़ा इसलिए भी कि पहला लॉकडाउन हमने किया, हमारी तरफ से कोशिश जबरदस्त हुई, सब जगह आपने वहां कर्फ्यू का भी किया। अब रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन की जब बात आती है तो आपने कल एक बड़ा डिसीजन लिया, वो डिमांड एक एमएलए की नहीं थी, सबकी थी, और वो आपने बड़ा फैसला लिया कि अब राजस्थान में जनता की परेशानी दूर हो उसके लिए आपने कहा पास की जरूरत नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूं, बहुत स्टूडेंट है, कितने ही मजदूर बेचारे जैसे ही ये डिसीजन हुआ वो आपस में गाड़ी करके चले गए और डरे हुए थे, दहशत मिट गई, जो डर था वो मिट गया और वो पहुंच गए। आपने पूरी पावर डिसेंट्रलाइज कर दी, आपने किसी के लिए ये नहीं रखा कि ना कांग्रेस ना बीजेपी ना एमएलए ना पार्षद ना जाति ना धर्म, जो है भाई ये परेशानी सबकी थी, हो गया। अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि लॉकडाउन कैसे खुले। मैं मुख्यमंत्री जी एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, शराब के ऊपर चाहे टैक्स लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप राजस्थान में चाहे शराब पर टैक्स लगा दीजिए, लेकिन राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट की अपने आप में आप अलग मॉनिटरिंग करा लो कि जिन डिस्ट्रिक्ट में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत कम नाम है लेकिन संख्या और गरीबों की बहुत ज्यादा है। आज आपने कल प्रधानमंत्री जी की वीसी में आपने कहा कि शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए, और ये बात पूरे राजस्थान के हर बीजेपी कांग्रेस के विधायक की डिमांड है कि जिस तरह गांव में लागू हुआ रोजगार गारंटी कानून, वैसे यदि शहरों में लागू हो जाता इस वक्त तो बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त चाहे आप शराब पे टैक्स लगा दें, लेकिन राजस्थान में जैसे राजधानी जयपुर में 22% लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट का गेहूं मिलता है, सिर्फ 22% लोगों, जयपुर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां सिर्फ 22% लोग, लीगली 54% लोग होने चाहिए। इस तरह के जो भी राजस्थान के शहर है वहां पर जो राशन कार्ड से गेहूं मांगे, आधार कार्ड पर गेहूं मांगे, आपने तो यहां तक कहा था आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं हो लेकिन गरीब तक भोजन पहुंचे, राशन पहुंचे वो पहुंच रहा है और सूखा किट पहुंचे वो पहुंच रहा है, वो राशन कार्ड के आधार पर गेहूं मिले ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे तो उससे कई फायदे होंगे। अभी इस वक्त ऑटो रिक्शे वाला खोमचे वाला हड़ी वाला ठेले वाला सब बेरोजगार हो गए, लेकिन सबके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है, ये गेहूं जब उसके घर पहुंचेगा तो उसमें सारे लोग एक साथ कवर होंगे। इस वक्त ये डिमांड चल रही है कि ऑटो रिक्शा रिक्शे वाला सब कहते हैं आपने वो 2,500 रुपए जमा भी कराए लोगों के खाते में, लेकिन वो यहां पर डायरेक्ट रिलीफ इस राशन कार्ड के जरिए अपने आप उनके घरों तक, यदि प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं जाता है 5 लोगों के पास 25 किलो महीने का चला जाएगा तो उसमें सब कवर हो जाएंगे, रिक्शे वाला खोमचे वाला थड़ी वाला ठेले वाला सब एक साथ आ जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब ये बात उठी थी कि साहब ये राशन वितरण में, मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं कहीं पर भी मैं कसम खा के कह रहा हूं जिसने पैदा किया उसके दूध की सौगंध, जयपुर में एक भी व्यक्ति, मैं खुद हिंदू हूं लेकिन हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव कहीं नहीं हो रहा है, हम ये कहकर मैं आज गारंटी से उससे बड़ा पाप कर रहे हैं कि जिसका जो मेरे को सुन रहा है वो जयपुर में सब आदमी जानते हैं इस बात को, कोई नहीं है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मुख्यमंत्री जी, आपने उसको माना, उसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा था हमारे 200 विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक है, निर्दलीय भी है, हर विधायक 1.5-2 करोड़ रुपए जमा कराए जिला प्रशासन के पास
और ये कहे कि इस बार का हमारा पैसा राशन वितरण में खर्च हो जाए। जिन विधायकों ने 1.5 करोड़ रुपए दिए उनके यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं उसके बावजूद इन विधायकों ने पैसे नहीं दिए उनके यहाँ भी राशन कार्ड उतना ही बटा है। ऐसा नहीं है कि राशन नहीं बट रहा हो, मैं ये कह रहा हूं हर विधायक की जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए दे दोगे राशन के वितरण में तो ये बहुत बड़ी मदद उनकी हो जाएगी जिन जो मदद चाहते हैं, और वो हमारे पास पैसा सरकार की तरफ से है वो हमको देना चाहिए। कई बार हम देते हैं 35 लाख रुपए और मुकाबला करते हैं जिसने 2 करोड़ रुपए दिए उसके साथ, लेकिन उसके यहाँ पे आपके यहाँ से 5,000 कितने ही ज्यादा बटे हैं। मैं इतना कहूंगा कि ये ना कोई राशन वितरण में भेदभाव है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, कोई नहीं चाहता कोरोना। और अभी एमपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यादव फैमिली को वो चाहते हैं घर पे क्वारंटाइन हो जाए, ये जाति और धर्म नहीं पूछ रहा और कहीं पर कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि राशन की बात मैंने कह दी कि ये जो आज शास्त्री नगर में जो भीड़ की अखबारों में फोटो छपी है वो राशन लेने वालों की नहीं है, वो प्रवासी मजदूरों की भीड़ है जो बिहार जाना चाहते हैं, जो यूपी जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो सारा का सारा मामला जयपुर में, मैं एक नई बात और कह सकता हूं, लॉकडाउन जब आप खोले मुख्यमंत्री जी, एक मेरा सुझाव है, कल मेरे से जयपुर में विवाह स्थल वाले लोग मिले थे, केंद्र सरकार की और आपकी जो गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट की वो गाइडलाइन वो मानने को तैयार है। वो ये कहते हैं संख्या 50 ही रखेंगे, लेकिन हमारे पास मान लीजिए 50 का स्टाफ है, 10 का है, 20 का है, और हमारा विवाह स्थल यदि 20 बीघा 25 बीघा में है तो हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन मानने को तैयार है। विवाह स्थल वाले सारे जिनके पास बड़े हैं हम वो सारे रूल्स रेगुलेशन मानेंगे। हम संबंधित बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को, तहसीलदार को, पटवारी को पहले चेक कराएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर दिनचर्या पटरी पर आए उसके लिए हमें कुछ विवाह स्थलों को मौका दिया जाए कि हम उन्हीं गाइडलाइन में उतने ही लोगों में यदि हम शुरू करते हैं तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रीज का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं आपने पहले इंडस्ट्रीज काफी कुछ शुरू हुई है, जयपुर में भी चालू हो गई। इसके अलावा जो हमारे इस तरह के दुकानदार हैं, जैसे आप ठेले वालों की बात आ गई मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो ठेला चलाता है चाहे वो सब्जी बेच रहा है चाहे वो खिलौने बेच रहा है, हर जगह हमारी डिस्पेंसरी है, जनता अस्पताल है। मैं आपसे कहूंगा इन ठेले वाले, खोमचे वाले और थड़ी वाले, इनके लिए आप एक आदेश जारी कर दें कि इन सभी डिस्पेंसरी में और हॉस्पिटल मेडिकल जांच जब ठेले वाले की हो जाएगी उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा ये ठेले वाला स्क्रीनिंग में और जांच में बिल्कुल क्लियर है, तो जो ठेला पहले से लगा रहा है, मान लीजिए 100 ठेले कहीं लग रहे हैं पहले से, तो उसको उसकी मेडिकल होने के बाद उसको अलाउड कर दिया जाए और उसको रूल्स रेगुलेशन समझा दिया जाए। यदि हम कह देंगे तुम कि डिस्पेंसरी में कोई भी व्यक्ति जो ठेला लगाता है पहले से वो जाए जांच कराए, अपने आप जाएगा, जांच कराएगा, स्क्रीनिंग कराएगा, वहां से एक पर्ची लेके आएगा, उसके बाद ना तो उसको कोई कहीं पे जाने की, जो भी लगाएगा उसके बाद पर्ची रहेगी नगर निगम में, या जहां भी दिखाएगा कोई जाएगा तो बोल साहब ये मेरा सर्टिफिकेट, मैं जांच करवा के आ गया, फिर मैंने ये मेरा पुराना ठेला जो मैं 10 बरस 5 बरस 1 बरस से लगा रहा हूँ वही मैंने लगाया है। तो इसमें डिस्पेंसरी जो हमारी हर मोहल्ले में, ऐसा नहीं हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारी हर जगह मेडिकल पूरे राजस्थान में मेडिकल डिस्पेंसरी, क्योंकि ठेले वालों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमने कह दिया 10 ठेले अलाउड है तो जो पहले गए 10 खड़े हो गए, अब उसमें क्या हुआ 500 ठेले वाला डर गया, तो कह रहा था हमारी जांच करा दो, हाथ जोड़ के इतना सा कह रहा है हमारी जांच करा दो, हमारी डिस्पेंसरी में भेज दो, हम जांच करा के उसके बाद ही लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी जहां पे सैनिटाइजेशन का सवाल है मैं इतना कह सकता हूं हर आदमी डरा हुआ है, सब डरते हैं, जयपुर की मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान में सैनिटाइजेशन हुआ है, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव सब जगह हुआ है, गांव-गांव में, मैं ये नहीं कह रहा हम अकेले हैं, सबसे ज्यादा तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जयपुर में जिन लोगों ने या राजस्थान में जिन भामाशाहों ने आगे बढ़कर भोजन बनाया, रसोईयां चलाई, अपनी जान जोखिम में डालकर बांटने गए, पूरी जी जान से जुटे, उन भामाशाहों को जिन्होंने राशन के किट बांटे, उन भामाशाहों को जिन्होंने पीपीई किट बांटे, उनको आपकी तरफ से हमने उनको रिक्वेस्ट, हमने उनको भरोसा दिया है कि मुख्यमंत्री निवास में या सरकार की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे, आप एक सर्टिफिकेट उनको जारी करें जिससे उनका मॉरल इस बार लोगों ने आगे बढ़कर आपकी अपील पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 25,000 भोजन के पैकेट एक दिन में बनाए हैं, अभी तक लगातार उनका काम चल रहा है और वो लोग आपके साथ खड़े रहे, मुझे भरोसा है वो लोग भी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम लोग सब
पूरा राजस्थान, कोई राजनीति नहीं, कहीं भी हमारे घर हो तो मैं खुद जाता हूँ भीड़ में, और एक दिन आपका फोन भी आया, मैं हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, आपने कहा कि ध्यान रखिए, हम सब भी ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है जिस तरह का काम हमारा चल रहा है उस काम में कोई कमी नहीं है। आगे बस मेरा इतना ही है कि ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे खोलना शुरू हो, जिंदगी पटरी पर आए और उसमें प्रोटोकॉल तय कर दो, लेकिन अब पहले की तरह जिंदगी पटरी पर आनी चाहिए। लोग बहुत परेशान है, मुझे भरोसा है आप जल्दी इस लॉकडाउन में जब रिलैक्सेशन मिलेंगे तो आप खोलेंगे और उस खोलने के साथ हमारी जिंदगी पटरी पर आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान को वापस